अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़े ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में मुर्दे की तरफ से पुकारे जाने के हवाले से तमाम तवीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तवीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं, फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तवीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की तबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में देखे कि कोई मुर्दा उसे पुकार रहा है तो ये उस खुशखबरी की अलामत है जो उसे बहुत जल्द पहुँचेगी और उसका दिल खुश हो जाएगा। ख्वाब में किसी मुर्दा को जिंदा शख्स को पुकारते हुए देखना देखने वाले के लिए बहुत अच्छा है, जिससे उसकी जहनी और समाजी हालत में बहुत बेहतरी आएगी। मैयत का ख्वाब में देखने वाले को पुकारना उन परेशानियों और गमों के गायब होने की तरफ इशारा करता है जो माजी में उसकी ज़िंदगी पर हावी थे और उसे सुकून और इस्तेकाम हासिल होता है। जब कोई ख्वाब में ये देखता है कि कोई मुर्दा उससे नाराज़ है और उसे बुला रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कोई गुनाह किया है और उसे चाहिए कि तौबा करे। इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर ख्वाब देखने वाला किसी मैयत को ख्वाब में उसे पुकारते हुए देखे तो ये इस बात की अलामत है कि वह जिस चीज़ की ख्वाहिश करेगा उसे हासिल करेगा। अगर बुलाने वाला मुर्दा ख्वाब देखने वाले का दोस्त हो तो इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये मुस्तकबिल में उसकी ज़िंदगी में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। अगर ख्वाब देखने वाला मुर्दे को गमगीन देखे और वह उसे पुकार रहा हो तो ये ख्वाब बताता है कि वह अपनी किसी पसंदीदा चीज़ के खो जाने पर गमगीन होगा। मुर्दा शख्स का ख्वाब में जिंदा शख्स को पुकारना बहुत सी अच्छी चीज़ों और माली बेहतरी की तरफ इशारा करता है जो ख्वाब देखने वाले को मुस्तकबिल में मिलेगा। कुंवारी लड़की के ख्वाब में मुर्दे का उसे पुकारने की ताबीर। अगर कुंवारी लड़की ख्वाब में देखती है कि कोई मुर्दा उसे बुला रहा है और खुश है तो यह उसकी किसी नेक तबीयत और मजहबी शख्स के साथ शादी होने की अलामत है, जिसके साथ उसकी खुशगवार और मुस्तहकम जिंदगी होगी। लड़की के लिए ख्वाब में किसी मुर्दे का उसे पुकारते हुए देखना इस बात का इशारा है कि वो उन तमाम रुकावटों और परेशानियों से निजात हासिल कर लेगी जो उसके मकासिद के रास्ते में हायल थे। कुंवारी लड़की के लिए फौत शुदा शख्स की तरफ से बुलाया जाना अमन और खुशगवार ज़िंदगी की अलामत है जो मुस्तकबिल में उसके घर वालों के साथ गुजरेगी। एक मुर्दा शख्स जो गुस्से में उसे पुकारता है नुकसान की नुमाइंदगी करता है जो उसे उन लोगों से पहुँचेगा जो उससे नफरत करते हैं, इसलिए उसे मोहतात रहना चाहिए। आदमी के ख्वाब में मुर्दा शख्स की तरफ से पुकारे जाने की ताबीर। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि कोई मुर्दा शख्स उसे पुकार रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि वो बड़ी कामयाबी हासिल करेगा और एक अहम ओहदे पर फाइज हो जाएगा। आदमी के ख्वाब में किसी मुर्दे का उसे पुकारना उसके बीवी बच्चों के साथ खुशहाल और मुस्तहकम ज़िंदगी की अलामत है। मुर्दे का ख्वाब में आदमी को पुकारना इस बात का इशारा है कि वह अपने दीरीना अहदाफ और ख्वाहिशात को हासिल करेगा और अजीम बुलंदियों तक पहुँच जाएगा। एक कुंवारा लड़का जो ख्वाब में देखता है कि कोई मुर्दा शख्स उसको पुकार रहा है इस बात की अलामत है कि वो जल्द ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। शादीशुदा औरत के ख्वाब में मुर्दा शख्स की तरफ से पुकारे जाने की ताबीर। एक शादीशुदा औरत जो ख्वाब में देखती है कि कोई मुर्दा शख्स उसे पुकारता है उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के इस्तेहकाम और खुशगवार ज़िंदगी से लुत्फानंदोज होने की अलामत है। किसी मुर्दे को मुस्कुरा कर ख्वाब में शादीशुदा औरत को पुकारते हुए देखना बड़ी माली परेशानियों और बहरानों के खात्मे और ज़िंदगी में ऐशो आराम से लुत्फानंदोज होने की अलामत है। अगर एक शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि एक मुर्दा शख्स उसे बुला रहा है तो ये उस आने वाली राहत और खुशी की अलामत है जो उसकी ज़िंदगी में आने वाली है। एक मुर्दा शख्स जो शादीशुदा औरत को चीखते हुए पुकारता है इस बात की अलामत है कि आने वाले वक्त में उसको बड़ी तकलीफ़ और परेशानियाँ लाक होंगी और उसे खुदा से मदद मांगनी चाहिए। हामला औरत के ख्वाब में मुर्दे की तरफ से पुकारे जाने की ताबीर। अगर हामला औरत ख्वाब में देखे कि कोई मुर्दा उसे पुकार रहा है तो ये जायज़ ज़रिए से बहुत अच्छे और ज़बरदस्त माली फ़ायदे की नुमाइंदगी करता है। किसी मुर्दा शख्स का ख्वाब में हामला औरत को पास बुलाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसे आसान डिलीवरी और एक सेहतमंद और तंदरुस्त बच्चा अता फरमाएगा जिसे मुस्तकबिल में बहुत सी नेमतें हासिल होंगी। आमला औरत जो ख्वाब में देखती है कि कोई मुर्दा शख्स मुस्कुरा कर उसे पुकार रहा है तो ये उसकी ज़िंदगी में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों और पेशरफ्त की अलामत है, जिससे उसे खुशी और मुसरत हासिल होगी। मुतलका औरत के ख्वाब में मुर्दे से पुकारे जाने की ताबीर। अगर तलाक याफ्ता औरत ख्वाब में देखती है कि कोई मुर्दा उसे बुला रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उसे एक अच्छा शोहर अता फरमाएगा जो उसके बुरे दिनों की तलाफी करेगा। ख्वाब में किसी मुर्दा को तलाक याफ्ता औरत को पुकारते हुए देखना खुशी और खुशखबरी की अलामत है जो उसे आने वाले दिनों में मिलेगी, जिससे उसकी जहनी हालत बेहतर हो जाएगी।
अगर मुर्दा शख्स ख्वाब में गुस्से से तलाक याफ्ता औरत को बुलाता है तो ये उन मुश्किलात की निशानदेही करता है जिनका उसे अपने काम के मैदान में सामना करना पड़ेगा। एक मुतलका औरत जो ख्वाब में देखती है कि कोई मुर्दा शख्स उसे बुलाता है, ये इस बात की अलामत है कि वो अपने साबिक शोहर की वजह से पैदा होने वाली परेशानियों से छुटकारा पा लेगी और इस्तेहकाम के साथ ज़िंदगी बसर करेगी। तो उससे ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।